हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये गुरप्रीत कौर जी के हस्बैंड जी का चार्ट है। इन्होंने कहा था देखने के लिए, बहुत टाइम से कह रहे हैं, इनका भी नहीं देख पा रहे, ठीक है। और जो लोग कह रहे थे, जरा एक बार अपना कमेंट करते चले, हमारे पास से मिस हो जा रहा है पुराने डाटास, तो कमेंट करेंगे तो हमें पता चल पाएगा कौन कह रहे थे लोग। और हमारी वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, क्योंकि तेज़ी से घट रहा है, वॉचर्स भी घट रहा है, सब्सक्राइबर भी, तो उन सब चीज़ का आप ध्यान रखते हुए देखा करें, लाइक किया करें और ज़रूर से ज़रूर किसी को शेयर किया करें, ठीक है, जिससे कि नए लोग जुड़े चैनल से, ठीक है। तो अब इनके बारे में देखना है, इनका एनालिसिस करना है। पहली चीज़ कि पहले ही घर में बुध बैठे हुए हैं, इनके में मैच्योरिटी की कमी दिखेगी, ठीक है। बुध बैठे हुए हैं, ये अपनी एज से कम के दिखेंगे, ठीक है। और इनको ये जैसे क्या हो रहा है, बचपना दिखेगा इनकी हर एक चीज़ में। जैसे कुछ लेने भी जा रहे हैं, बातचीत करते 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 अपना डिसीजन चेंज कर देते होंगे, ठीक है। खाने पीने के शौकीन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे क्यों, क्योंकि बुध है पहले ही घर में। सातवां नंबर शुक्र होता है वैसे भी, तो ये शुक्र हैं जो अस्त होकर बैठे हुए हैं। छठा नंबर यानी वो नीच के हो गए, तो इस केस में इनको बहुत ध्यान देना होगा इनकी हेल्थ को। दूसरा, ध्यान देना होगा इन पे जादू टोना, इन सब चीज़ों को कोई मैनिपुलेट कर ले, ये सब चीज़ें ईजिली हो जाएंगे इनके साथ, ठीक है। क्योंकि लग्न ही कमज़ोर हो गया है, ठीक है, लग्न कमज़ोर हो गया है, इसको सही करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं, बात करते हैं इस पर दृष्टि किसकी है, तो चंद्रमा की दृष्टि है। ये बेटर है, गुड लुक बनाता है, लेकिन शुक्र का कमज़ोर होना कई चीज़ों के लिए ठीक नहीं होता है, ठीक है। आफ्टर शादी भी ये दिक्कत करता है, मैरिज के बाद भी ये थोड़ी दिक्कत करेगा आपको, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे गुरु का होना बहुत अच्छा है। शनि पे यहाँ होना, इसका मतलब कि ठीक है, ये यहाँ पे कोई बहुत बुरा रिज़ल्ट नहीं देते, मेहनत करते करवाते हैं और रिज़ल्ट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए मेहनत ज़्यादा होता है इनकी लाइफ में। उसके अलावा इस घर में राहु का होना ठीक नहीं होता, क्योंकि इस घर में राहु होने का मतलब है कि आप ये बातों से बड़े रूढ़ हो जाएंगे, ठीक है। राहु की तरह बातों, दूसरों की बातों को बीच में काट देंगे, ठीक है। उसके अलावा फैमिली में इनका कनेक्शन थोड़ा कमज़ोर कर रहा है, क्यों, क्योंकि राहु है, फैमिली से इनका कनेक्शन कमज़ोर कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस नंबर पे ये गुरु की राशि है, ठीक है। हम यहाँ पे किसी की दृष्टि आ रही कि नहीं उसको नहीं चेक किया, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। जब गुरु की दृष्टि आ रही है, और किसी की दृष्टि आ रही है, चंद्रमा की दृष्टि आ रही है। चलिए अब दोनों की दृष्टि के हिसाब से देखें, तो अब ये क्या ना, स्थिर स्वभाव के इंसान हो गए, क्यों, एक तो बहुत मासूमियत दिखा रहा, फिर चंद्रमा दिखा दे रहा है, तो ये थोड़े स्थिर हो जाते हैं लोग, ठीक है। फिर लग्न भी कमज़ोर दिखा रहा, ठीक है। गुरु का यहाँ देखना इन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है, यही पॉजिटिव इम्पैक्ट है इनके लग्न का। प्लस क्या हो रहा है, जब गुरु यहाँ देख रहे हैं तो थोड़े से ये लोग क्या होते हैं, क्योंकि शुक्र कमज़ोर है, तो इन पे थोड़ा हम लोग को, हर एक बंदे को, जैसे इनके पहचानने वाले को, इन पे ध्यान देना चाहिए, ख़राब संगति से बचाना है इनको, ठीक है। और थोड़ा परिस्त्री या ऐसी कोई चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होगा उससे भी इनको बचाना है, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन ठीक नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे मंगल भी साथ में है और ये घर ही सेक्स वाला घर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बेटर रिजल्ट देने के लिए नहीं होते। दूसरा, गुरु का देखना यहाँ थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति डाल रहा है, इसका मतलब कि आप इनको समझाएं या इनको दिखाएं, चीज़ों को समझाएं, तो ये समझ जाएंगे कि इनके साथ ये प्रॉब्लम करवाई जा रही है, जो प्लैनेट्स करवा रहे हैं, शुक्र मंगल, वो भी नीच के मंगल, इस वजह से दिक्कत हो रही है। बेइज्जती करवा देंगे ये शुक्र एक बार इनकी, ठीक है, एक बार इनके शुक्र बेइज्जती करवाएंगे समाज में लड़की को लेकर। बुध वैसे भी है, बचपना दिखाई रहा है, यानी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे दिखाई रहा है बेइज्जती के कारण, ठीक है। तो इनको कहिएगा थोड़ा सा ध्यान रखें, और शुक्र का नीच का होने का मतलब भी ठीक नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ इनका करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, देखिएगा। फिर आते हैं सेकेंड हाउस को, बता दिया था राहु बैठा है, धन का जगह होता है, तो धन में राहु का होने का कहीं ना कहीं ये रीज़न होता है। ये ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ा चीज़ दे सकते हैं हम, लेकिन इसके अलावा ये एक सडन लॉस भी देते हैं, ठीक है, एक सडन लॉस भी दे सकते हैं, ठीक है। अब मंगल की एक राशि बहुत अच्छी जगह पर है, इसलिए ये थोड़ा सा इसका निगेटिव इम्पैक्ट कम कर देंगे राहू का, ठीक है। राहु क्या करते हैं, जहाँ पे जिस राशि में होते हैं उस राशि के अनुरूप स्वभाव बना देते हैं। अब ये गर्म घर है, क्योंकि राहु, मंगल भी गर्म है, राहु भी गर्म है, तो इनको अपने भाषा पे, बातचीत पे सुधार करना होगा, क्योंकि इनका कनेक्शन इनके परिवार से कटता हुआ दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरे घर की बात करें, तीसरे घर में मंगल की दृष्टि आ रही है, ठीक है, और शनि की भी दृष्टि है,
मंगल शनि दोनों देखें ये सही नहीं होता। ये सिबलिंग्स हैं, इनके भाई बहन वाला घर, तो कहीं ना कहीं इनके यहाँ पे भी दिखा रहा है परिवार में प्रॉब्लम, यहाँ पे भी दिखा रहा है इनके भाई बहन से अच्छा कनेक्शन नहीं, तो कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ पे सोच विचार करके इसको सही करना चाहिए, ठीक है, काम करना इसको सही करना ज़रूरी है, ठीक है। बात करें अगर दूसरे तरीके से, तो मंगल और शनि का होना इनको स्ट्रांग बनाता है, वीर बनाता है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी देता है। अब इसको वीर किस तरीके से कहा जा सकता है, जब किसी के यहाँ पे चंद्रमा होता है तो वो बंदा इमोशनल होता है, ठीक है। बचपना होना, इमोशनल होना दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि शनि मंगल देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपको वो बहुत इमोशनल होकर डिसीजन लेने से बचा रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मंगल की वजह से आपको दिख रही होगी, शनि का भी यहाँ देखना बेटर माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखें, इनका इनके छोटे से भी नहीं बन रहा, ठीक है। अब यहाँ देखें चौथे घर में 10 नंबर यानी शनि की राशि लिखी है, जो कि सुख भाव होता है, ठीक है। यहाँ किसकी दृष्टि है ये भी चेक कर लेते हैं, केतु की दृष्टि है, सुख भाव में केतु की दृष्टि कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष दिखा रही है, सुख में थोड़ा इनको दिक्कत दिखा रही है, एक केतु की वजह से कुछ कमी फील करवा रहा है, ठीक है। उसके अलावा कोई देख रहा है नहीं देख रहा, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब इसमें बेटर है। इनकी मम्मी थोड़ी सी मुंह से तेज है ये दिखा रहा है, ठीक है। फिर आपके पांचवें घर की बात करें तो पांचवें घर में गुरु बैठे हुए हैं, ये ज्ञान के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, ज्ञान पसंद करने वाले लोग होते जाते हैं ऐसे, ठीक है, जिनके यहाँ पे गुरु होते हैं। उसके बाद अच्छा, उसके बाद इनकी पढ़ाइयों में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते, प्रॉब्लम इन द सेंस की प्रॉब्लम होगी भी तो भी ये करेंगे पढ़ाई, क्योंकि गुरु बैठे हैं ये करवा लेते हैं। फिर यहाँ से इनकी दृष्टि भी यहाँ आएगी, इस वजह से आगे की पढ़ाई में भी दिखा रहे करते चलेंगे। शनि की वजह से थोड़ा सा और बेटर ही है, कई बार ये थोड़ा डिले कराते हैं, लेकिन शनि का राशि कहाँ गया, 10 नंबर अच्छी जगह पे आ गए हैं, इसलिए ये भी हेल्प करेंगे, ठीक है। और यहाँ से ये बेटर रिजल्ट देने के लिए कारक हो गए हैं शनि, ठीक है। भाग्य में बैठे हुए हैं, यहाँ भी बेटर रिजल्ट दे रहे हैं, राहु सडन चीज़ों देने के लिए है, तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ये पैसा कमा लेंगे लाइफ में, ठीक है, और आगे कर भी करेंगे, बेटर कर भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से अगर बात करें, कोई देख रहा है क्या इस चीज़ को, 2, 2, 4, 1, 5 नहीं देख रहा, चलिए तो अब यहाँ पे आते हैं, राहु की दृष्टि है यहाँ पे। प्यार की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे प्यार में कौन आ रहा, 11 नंबर शनि है जो आके यहाँ बैठे हुए हैं, 1 नंबर जो है मंगल का है वो यहाँ बैठे हुए हैं, 7 नंबर शुक्र का है जो यहाँ बैठे, कनेक्शन इनका बन रहा है लेकिन इनडायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं दिखा रहा। 11 नंबर शनि का भी यहाँ आ गया है, जो 3rd नंबर बुध के साथ बैठे हुए हैं और बुध लगन में बैठा हुआ है, हाँ ठीक है हो गया, यानी बुध 7 नंबर, 1 नंबर, 11 नंबर, 7 शुक्र, मंगल, शनि, इनमें कुछ बहुत डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखा पा रहा। देखिए लव मैरिज में ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होने का बहुत ज़्यादा, जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाए तो लव मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा ना होने का मतलब है किसी, मतलब वाइफ के चार्ट में देख के फिर कंफर्म किया जाता है कि किसकी तरफ से ये ज़्यादा फला है ये शादी, ठीक है। चलिए इनके लव मैरिज के चांसेस कम ही दिखा रहे हैं, इनडायरेक्ट कनेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे अब ये देखिए, नीच का मंगल, नीच का शुक्र देख रहा है, सूर्य देख रहा है, मंगल देख रहा है, सूर्य का तो यहाँ देखना एक बार फिर भी जायज है और अच्छा है, क्योंकि ये आपको गवर्नमेंट जॉब देने के कारक बनते हैं, लेकिन क्योंकि लग्न ही कमज़ोर है तो इनको मेहनत तो है, ऐसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगी, ठीक है, मेहनत करनी पड़ जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। शुक्र का यहाँ देखना और लगन का मजबूत होना ज़रूरी होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। ओवरऑल अगर इस घर से बात करें तो इनको आँखों की दिक्कत, ठीक है, आइज़ की प्रॉब्लम इनको होगी, ठीक है, राइट आइज़ की प्रॉब्लम या चश्मे जल्दी लग जाना, ये सारी चीज़ें इनको होंगी, ठीक है, वो दिखा रहा है यहाँ पे। उसके अलावा जो इनको ध्यान रखना है, एक तो गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम से बचना है, ठीक है, और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम से बचना है, शुगर से बचना है, ठीक है, ये इनके लिए बीमारियों से बच के करने वाला काम हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा वाइफ के घर में देखा जाए तो इनकी वाइफ बहुत प्यारी मिलने वाली है, चंद्रमा होने की वजह से खूबसूरती दिखा रही है कि एक खूबसूरत वाइफ मिलेगी इनको, ठीक है। और यहाँ से बुध का देखने का मतलब भी है, इनको तो ये दिखा रहा है कि ठीक है इनके में मैच्योरिटी की कमी है, लेकिन इनकी जो वाइफ है इनके में यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है चंद्रमा का यहाँ होना, ठीक है, ये बहुत अच्छी लड़की बता रहा है, ठीक है। 1 नंबर में क्या दिखा रहा है कि थोड़ी एग्रेशन दे देगा उनको, ठीक है, उनकी वाइफ को। अब यहाँ देख लेते हैं कोई और देख रहा है कि नहीं,
हम मंगल भी देख रहे हैं, अब ये मांगलिक भी हैं, ठीक है, क्योंकि इस जगह पे मंगल है तो ये मांगलिक हो गया और मंगल का यहाँ दृष्टि हो गया, तो अब इसका मतलब कि दिखा रहा है कि इनकी वाइफ में एग्रेशन भी है, लेकिन बहुत खूबसूरत है, ठीक है। फिर आते हैं इस घर में, तो यहाँ केतु बैठा हुआ है, ये एक ऑपरेशन के कारक बता रहे कि कोई एक ऑपरेशन होने का चांस है, शुगर से भी बच के रहेंगे, एक ऑपरेशन होने का भी चांस है। फिर यहाँ आ जाए तो यहाँ शनि बैठे हुए, भाग्य में शनि बैठे हुए हैं, परिश्रम करके ही फल देंगे। गुरु का यहाँ देखना अच्छा होता है, पढ़ाई के लिए भी बेटर होता है और थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आता है इनके भाग्य को लेके, ठीक है। फिर अगर इस घर के बात करें तो इनके पिता का है चौथा नंबर चंद्रमा है, बहुत अच्छा कनेक्शन बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके पिता का भी सौम्य स्वभाव है इनके पिता का, ये भी अच्छा दिखा रहा है इसमें रिश्ता। उसके अलावा बात करें अगर एक्टिविटी की, तो ये थोड़े कम एक्टिव दिखा रहे हैं इसमें, मतलब बहुत ये कर्म प्रधान बंदे नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का कनेक्शन बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और राहु की भी दृष्टि है यहाँ पे, हाँ ये थोड़ा बेटर हो गया, थोड़ा सा मतलब आलसी नहीं कह के, यहाँ पे राहु आ गया है अब तो थोड़ा आलस कम कर दिया, अगर सिर्फ चंद्रमा रहता तो कर्म प्रधान नहीं रहते, थोड़ा कम किया लेकिन बहुत नहीं, अभी भी थोड़ा सा असर है। पांचवा नंबर यानी सूर्य का है, सूर्य तो खुद आके यहाँ पे भागे विदेश भाव में बैठे हुए हैं, तो विदेश की तो चांसेस इनके बना रहे हैं, घुमा लाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई प्लेनेट होने का मतलब है विदेश में ले जाने के, मोबाइल पे लगने के, ये सब चांसेस बना रहे हैं। हाँ शुक्र क्योंकि नीच का है तो ये मोबाइल पर भी किसी से बात कर सकते हैं, ठीक है। अब इस घर में ग्यारहवें घर में पाँच नंबर लिखा है, आय की दृष्टि से देखा जाए तो ठीक है, पैसे भी कमाएंगे ये, ठीक है। अब यहाँ पे राहु का मतलब है खर्चीले हो जाते हैं, बैंक में से पैसे खर्च करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मंगल शुक्र सूर्य, ये जैसे हमने पहले बताया था नीच का शुक्र यहाँ पे कोई बेइज्जती करवा देगा, और शुक्र क्योंकि मंगल के साथ है इसलिए लड़कियों से रिलेटेड चीज़ों से ये बच के रहेंगे, ठीक है। ओवरऑल चार्ट के बारे में हमने आपको बता दिया है। नोमांस के बारे में देख लेते हैं एक बार, चंद्रमा इनका उच्च का हो गया, यानी इनकी वाइफ के बारे में दिखा दिया कि बहुत खूबसूरत लड़की है, ठीक है। उसके अलावा देखा जाए तो बुध की भी 12 शुक्र अच्छा कंडीशन दिखा दिया, ठीक है, यानी अब इनका नीचता कम हो गई है, इनकी नीचता शुक्र की कम हो गई है, ठीक है, ये अच्छी बात हो गई। कि किन दो चीज़ के लिए हुई, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी थोड़ी पॉजिटिव रिस्पांस आ गया, यानी पैसे निकाल सकते हैं गवर्नमेंट से, दूसरा किसी बुरी लत से भी बचने में हेल्प करेंगे ये, ठीक है। उसके अलावा सूर्य का चंद्रमा का कंडीशन ठीक है, बाकी चलिए बाकी सबका कंडीशन सेम है, ठीक है, यानी इन्हीं दोनों लोगों की चीज़ें सुधरी हैं और ये अच्छी भी बात है, ठीक है। बुध की कंडीशन भी देख लेते हैं, बुध भी ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए ओवरऑल सब कुछ बेटर है, थोड़ा सा जो दिक्कत है उसको आप सही करेंगे, अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बाकी सब जो भी और कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो हमसे पूछे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा। थैंक यू सो मच।